हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी रोक नहीं पा रहे। सारा हरियाणा के अंदर जिस जगह पे उस बच्चे को, उस बग्गा को इन्होंने जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से चुराया था, वहीं पे गोलियां चली, उसके विषय के अंदर क्यों नहीं बोले अनिल विज जी? उसके विषय में बोले ना, हरियाणा में जो गुंडा राज हो गया है। और मैं कह रहा हूँ, अगर वो गलत है, अगर उसको गलत किया गया है, तो कानून देख रहा है ना, कोर्ट देख रहा है, कोर्ट अपना रास्ता लेगा। इसके अंदर दादागिरी हरियाणा पुलिस करने कहाँ से आ गई? हरियाणा पुलिस का रोल क्या था इसके अंदर? हरियाणा पुलिस के आते जाते पुलिस को रोक के ये जांच करेगी कि पुलिस ठीक कर रही, कार्रवाई कर रही है, कोर्ट ठीक कार्रवाई कर रहा है, नहीं कर रहा? हरियाणा पुलिस का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल की गिरफ्तारी भले ही टल गई हो, लेकिन हरियाणा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार को लेकर अब भी एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी रोक नहीं पाते। तंत्र में कानून की मान्यता सबसे ऊपर होती है। उनको 8 बार नोटिस दिया गया, बुलाया गया, पंजाब की कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को भी लताड़ा है, दिल्ली पुलिस को भी लताड़ा है। जब कानून के सामने पेश होने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है और हरियाणा पुलिस कहती है कि हमने एक व्यक्ति अपहरण कर लिया गया था, उसको छुड़ा दिया, अपहरणकर्ता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर इस देश के अंदर कानून है और अपहरण कोई किसी का कर रहा है तो सबसे पहले अपहरणकर्ता का सजा दी जाती है, उसको जेल में डाला जाता है। इनके हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी रोक नहीं पा रहे। सारा हरियाणा के अंदर जिस जगह पे उस बच्चे को, उस बग्गा को इन्होंने जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से छुड़ाया था, वहीं पे गोलियां चली, उसके विषय के अंदर क्यों नहीं बोले अनिल विज जी? उसके विषय में बोले ना, हरियाणा में जो गुंडा राज हो गया है, महिलाएं 6 बजे के बाद डरती हैं, चारों तरफ से यह अपराध फैलता जा रहा है। ट्वीट की बात नहीं है, उसने अमित शाह की रैली के अंदर उपद्रव मचाया था, उसने सुप्रीम कोर्ट के वकील के चैम्बर में जाके उपद्रव मचाया, उसने जाति और धर्म के आधार पर गर्दा फैलाने की कोशिश की। और मैं कह रहा हूँ, अगर वो गलत है, अगर उसको गलत किया गया है, तो कानून देख रहा है ना, कोर्ट देख रहा है, कोर्ट अपना रास्ता लेगा। इसके अंदर दादागिरी हरियाणा पुलिस करने कहाँ से आ गई? हरियाणा पुलिस का रोल क्या था इसके अंदर? हरियाणा पुलिस के आते जाते पुलिस को रोक के ये जांच करेगी कि पुलिस ठीक कर रही, कार्रवाई कर रही है, कोर्ट ठीक कार्रवाई कर रहा है, नहीं कर रहा? हरियाणा पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं। इस दौरान सुशील गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है वो असंतोषजनक है। उन्होंने कहा कि जब मामला कोर्ट देख रही है तो हरियाणा पुलिस का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो कोर्ट की कार्रवाई में रुकावट पैदा करे। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी, आप जनता को देखिए, जनता चाहती है कि हरियाणा के अंदर भी गुंडा राज खत्म हो, हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म हो, हरियाणा के अंदर भी बेरोजगारी खत्म हो। जो 34% बेरोजगारी भारत सरकार बता रही है, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। मैं 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करूं तो 80% बेरोजगार है। युवक मजबूरी में नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, गुनाह के रास्ते पे चल पड़ा है, या डिप्रेशन होकर आत्महत्या की बात सोच रहा है। हरियाणा सरकार ना स्कूल सुधार पाई, ना कॉलेज सुधार पाई, ना हॉस्पिटल सुधार पाई, ना डिस्पेंसरी सुधार पाई, ना बिजली दे पा रही है, ना पानी दे पा रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। भ्रष्टाचार के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय खुद लिप्त है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर रेड पड़ती है, तो विधानसभा में चैट सुनाई देती है कि 5 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर गए। 25 पेपर लीक हो चुके हैं। जो बच्चा पूरी जिंदगी मेहनत करके डिग्री कमाता है और फिर नौकरी की इंतजार करता है, पेपर लीक होने की वजह से ओवर एज हो जाता है, उसके ऊपर जो ट्रॉमा गुजरता है वो बच्चा जानता है, उसका परिवार जानता है। इन सब बातों के लिए हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है। हरियाणा की जनता चाहती है हरियाणा में भी केजरीवाल, अब बदलेगा हरियाणा। रैली को संबोधित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 29 मई को सुबह 11 बजे कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। आज मैं उस रैली का न्योता देने के लिए यहाँ जगाधरी के अंदर आया हूँ और इतनी भारी संख्या के अंदर जो हजूम है
मुझे उम्मीद है कि हमने अरेंजमेंट वहाँ पे 1.5 लाख लोगों का किया था, मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2.5 लाख से ऊपर लोग वहाँ पर पहुँचे। जिस प्रकार पूरे हरियाणा के अंदर रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस प्रकार पूरा हरियाणा अरविंद केजरीवाल को देखना चाहता है, जिस प्रकार पूरा हरियाणा अब चाहता है हरियाणा में भी काम की राजनीति की सरकार बने, हरियाणा में भी ईमानदार सरकार बने, जाति और धर्म की राजनीति को छूट देना चाहता है, पंजाब की तरफ पे भ्रष्टाचारी नेताओं को धूल चटा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता का मूड अब आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाने का है। आज जात और धर्म के नाम पर भाजपा पूरे प्रदेश में राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है। 50 पेपर लीक हो चुके हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक होने की वजह से युवा ओवर एज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई को कुरुक्षेत्र की रैली का न्योता देने जगाधरी आए हैं, क्योंकि आज का युवा अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहता है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।